झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में लगभग 98% स्कूलों में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं हैं, और परमानेंट प्रिंसिपल नहीं रहने की वजह से कई तरह की जो परेशानियां हैं वो प्रभारी प्रिंसिपलों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जब परमानेंट प्रिंसिपल होते हैं तो उनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पूरे राज्य में देखेंगे तो सरकारी जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें ही प्रभारी प्रिंसिपल बनाया जाता रहा है, और इसको लेकर के ये आवाज़ भी उठती रही है कि शिक्षकों को टाइम बाउंड प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है। तो आखिर मानव संसाधन विभाग के आला अधिकारी करते क्या हैं? राज्य गठन के बाद देखेंगे तो लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं और अब तक शिक्षकों को जो वरीयता के आधार पर जो प्रमोशन मिलना था, उन्हें जो हक मिलना था, वो सही मायने में हक मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। और देखेंगे राज्य में जो प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो 1994 बैच के शिक्षक ज़्यादा हैं, और जो नए बैच के शिक्षक हैं कहीं ना कहीं विसंगतियों की वजह से ये आवाज़ उठ रही है कि नए शिक्षकों को वरीयता सूची में आगे करते हुए उन्हें प्रिंसिपल बनाने की तैयारी चल रही है। जो 1994 बैच के जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, और यही वजह है कि जो शिक्षक प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक संघ है इसको लेकर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने का मन बना रही है, और राज्य सरकार के अधिकारियों से ये मांग की है कि जो वरीयता सूची बनाई गई है उस पर संशोधन किया जाए ताकि जिन्हें हक मिलना है उन्हें सही मायने में हक मिले। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार रांची। टीवीजेड लेकर आया है स्पेशल फेस्टिवल ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट, डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग फ्री। टीवीजेड ज्वेलरी, एसी मार्केट, चर्च कॉम्प्लेक्स, रांची।